अजीज़ान मोहतरम, आगा जवाद की किसी बात का जब कोई भी जवाब देता है तो जवादी ग्रुप के हजरात उसे डायरेक्टली MI6 और अंदरूनी साजिशों का एक आला कार साबित करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि MI6 का एजेंट और मुनाफिक कौन होता है। वो जो कहते हैं ना बर मुनाफिक लानत, तो मुनाफिकत क्या है हम आपको आज बताते हैं। सबसे पहले MI6 का एजेंट वो है जो आपके जैसा ही लिबादा पहने और वो बातें करे जो आपके मज़हब में मुसल्लिमा नहीं हैं बल्कि दूसरों के मज़हब से आई हैं। जिस तरह तमाम तर शख्सियात पर कौन एतराज़ करता है, वो अकाबरीन जनाब मुख्तार, जनाब मोहम्मद हनफिया, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद मुताहरा, जनाब मोहम्मद नफ्स ज़किया, इन तमाम लोगों पर कौन एतराज़ करता है? क्या आगा शहरयार रज़ा आप्टी कर रहे हैं, राजा नासिर साहब कर रहे हैं? ये तमाम शख्सियात, इनकी पाकिजगी, इनका ज़ोदो तकवा और इनका इर्तबात इमाम तमाम तर शिया उल्मा के नज़दीक शुरू रोज़े अव्वल से मुसल्लिमा है। यहाँ तक कि इमाम के दुश्मनों को भी पता था। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के दौर में हारूनुर रशीद खुद कहता होता था जनाब अब्दुल्ला महज को, मुझे पता है कि तुम किसके इशारे पर अमल करते हो, यानी तुम इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के इशारे पर अमल करते हो, मगर मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात, MI6 का एजेंट हमेशा अपनों पर ही तनकीद करता है और उस तनकीद के नतीजे में हमेशा वो कौम का मोराल डाउन करता है। ये काम कौन कर रहा है, जरा ये समाज फरमाइए। इमाम के विलादत की खुशी जश्न मनाते हैं, केक काटते हैं। क्यों केक क्यों काटे? इमाम हुसैन केक खाते थे। केक कहां से इमाम हुसैन से जोड़ दिया तुमने? केक कहां से इमाम अली से जोड़ दिया? इमाम अली का क्या ताल्लुक केक से? ये केक तो तुम्हारी बेकरी से आया है, बेकरी तुम्हारी बर्तानिया से आई है। ये तुम्हारे आकाओं की विलादत के ऊपर केक काटे जाते थे, न इमामों की विलादत के ऊपर। से बड़ा भड़वा वो है जो जिस्म फरोशी का दल्लाल, पंजाबी में दल्ला और उर्दू में भड़वा, ये भड़वा जो करता है दल्लाली, वास्ता बीच में लाता है। तो जनाबे वाला, आगा साहब का ये वतीरा है, वो उन मौजूआत को बिला वजह तनकीद करते हैं और जब उनको इस बात पर जवाब दिया जाता है तो उससे मिलत में एक तफरका पैदा होता है। अगर उनकी बात की जाए और उन्हें इस बात का जवाब ना दिया जाए तो ये एक नए इनहराफ को जन्म देता है। तो इस वक्त इस फितने की वजह से उलमाए उज़ाम बहुत मुश्किल में है। इनकी हर बात का जवाब दिया जाए तो कौम में बहुत ज़्यादा तफरीक पैदा हो, और अगर किसी बात पर खामोशी इख्तियार की जाए तो शायद लगेगा ये कि शायद मिलत का ही यही नज़रिया है। आगा साहब की असास ही गलत है, जो इनकी इस सोच की असास है कि इमामत का सिर्फ मतलब हुकूमत है, ये बात ही गलत है। इमामत का मतलब कभी भी हुकूमत नहीं लिया उलमाए शिया ने। इमामत का मतलब क्या लिया है? इमामत का मतलब हमेशा हिदायत लिया है। आगा साहब की इसी रवश के मुतल्लिक, के बिला वजह तनकीद करने की रवश के मुतल्लिक, कुछ रोज़ कबल जनाब किबला हसन जफर नकवी साहब ने कहा था कि किन बातों पर तनकीद कर रहे हो, तुम लेकर क्या आए हो, तुमने इस कौम को तफरीक के अलावा दिया क्या है? अपने मन घड़त बेहुदा नज़रियात के अलावा तुम्हारा इस कौम को कंट्रीब्यूशन क्या है, सवाए इसके कि तुमने एक ऐसी नस्ल तैयार कर दी है जिसे हकायक से कोई मत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी शख्सियत परस्ती और तुम्हारी शख्सियत के सहर में वो लोग उलमा और मराजे को गालियाँ देते हैं। क्या पाकिस्तान में पहले कभी किसी ने काम नहीं किया? जनाब किबला अलामा सफदर नजफी, जिनका दारुल उलूम मुंतज़र अभी तक जामिया मुंतज़र लाहौर में है, कितनी किताबें लिखी और उस वक़्त लिखी जब इब्लाग के नज़रिए नहीं थे, कौम मफलूकुल हाल थी, तो कितना कुछ तब हुआ। ऐसा नहीं है कि तुम 1400 साल के बाद अब आए हो और तुम इस कौम को राय राज दिखाओगे। खुदारा अपने इन मन घड़त नज़रियात के पीछे कौम को तकसीम ना करो, अपना ज़ाती एजेंडा इस्तेमाल करने के लिए, उसे परवान चढ़ाने के लिए मिल्लत और विलायत फ़कीह का नाम ना लो। इसी बात के मुतालिक राजा नासिर साहब ने कहा था कि जब तुम विलायत फ़कीह की और विलायत और उलमा की फतावा की ऐसी तशरीह करते हो जो हमारी मुसलमात नहीं है, तो फिर कौम गालियाँ देती है। गालियाँ तुम्हें नहीं देती, उलमा और मराजे को देती है। तो अगर आपने यही कुछ करना है तो आप फिर टोपी पहने और इसी काम को अपने प्लेटफॉर्म से जारी रखें, मजहब शिया का नाम इसके ऊपर इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया।
इमाम के विलादत की खुशी जश्न मनाते हैं केक काटते हैं। क्यों केक क्यों काटे? इमाम हुसैन केक खाते थे। केक कहां से इमाम हुसैन से जोड़ दिया तुमने? केक कहां से इमाम अली से जोड़ दिया? इमाम अली का क्या ताल्लुक केक से? ये केक तो तुम्हारी बेकरी से आया है, बेकरी तुम्हारी बर्तानिया से आई है। ये तुम्हारे आकाओं की विलादत के ऊपर केक काटे जाते थे, न इमामों की विलादत के ऊपर। से बड़ा भड़वा वो है जो जिस्म फरोशी का दल्लाल, पंजाबी में दल्ला और उर्दू में भड़वा, ये भड़वा जो करता है दल्लाली, वास्ता बीच में लाता है।